धार जिले के सरदारपुर में किसानों ने प्रदेश और केंद्र की सरकार के खिलाफ अब उग्र प्रदर्शन करने का रुख अपना लिया है। किसानों का आरोप है कि एक ओर जहां सोयाबीन की फसल येलो मैजिक वायरस से प्रभावित हो रही है, तो वहीं दूसरी ओर लहसुन और प्याज के सही दाम नहीं मिल रहे हैं, जिसको लेकर आज किसानों ने दसई पेट्रोल पंप के पास एक चक्का जाम कर दिया। लंबे समय तक चले चक्का जाम में जहां पर वाहन चालकों को काफ़ी मशक्कत करना पड़ी, वहीं इस दौरान किसानों ने शिवराज सरकार मुर्दाबाद के नारे लगाए। प्रदर्शन के बाद शासन प्रशासन को राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें बताया गया कि किसानों की उपज को मंडी तक ले जाने की लागत भी नहीं निकल पा रही है, जिसके चलते किसान तनाव में है और भाजपा सरकार किसानों की आय दोगुनी करने की बात कर रही थी, लेकिन आज किसानों की स्थिति दयनीय हो चुकी है। सरदारपुर से जगदीश मारू की रिपोर्ट। ज्ञापन ले लिया कि किसान बंधुओं के द्वारा आज सांकेतिक चक्का जाम की कार्रवाई की गई है। इनकी ये डिमांड है कि सरदारपुर क्षेत्र में जो लहसुन और प्याज की पैदावार भी है, उसका उचित मूल्य गवर्नमेंट पर दे रही है। यार नारा क्योंकि रोड को जाम किया है, ये सरकार की गलत नीतियों के कारण आज किसान रोड पर है। उसको अपनी उपज के दाम नहीं मिल रहे, लहसुन प्याज लागत नहीं निकाल पा रहा, इसलिए किसान आक्रोशित है और रोड पर उतर गया है सरकार की गलत नीतियों के कारण। आज आपने क्या किया है? आज हमने रोड पर लहसुन प्याज खाली करके विरोध जताया है ताकि कुंभकर्ण सोई हुई सरकार जाग जाए। आप कुछ सुने आज ये जो दशे मांगों तो चक्का जाम किया है, क्या है? हम किसानों का गाड़ी कमाई का मेहनत का उपज का दाम नहीं मिल रहा है, इस कारण हमारे किसान भाई यहाँ पर आज सड़क पर बैठे हैं। मैं सरकार से मांग करता हूँ, इस प्रकार से इन्होंने निर्यात बंद कर दिया है, निर्यात खोला जाए और जो येलो फंगस लग गया है अभी इसमें सोयाबीन में येलो मोजक लग गया है, उसके लिए भी हम लोग 8 तारीख को आंदोलन करने जा रहे हैं। लड़का से हम लोग पदयात्रा करेंगे बदनावर तक। किसानों की लड़ाई जिला कांग्रेस और मध्य प्रदेश कांग्रेस लड़ने के लिए तैयार है, 8 तारीख से हम उसकी शुरुआत कर रहे हैं। मैंने अभी जाकर देखा, परसों गया था मैं खेतों पर सोयाबीन के, वहाँ पर ब्लैक मोजक काफ़ी लग चुका, फली नाम की चीज़ उसमें नहीं है, लेकिन सरकार के कारण में जू नहीं देख रही है, सर्वे नहीं करा रही है। मुआवजा तो दूर की बात है, सर्वे हो जाए तब मुआवजा मिले। हम 8 तारीख तक का टाइम दिया है, वरना हम उग्र आंदोलन करेंगे और सब हमारे किसानों का हम जो है हक लेकर रहेंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।